लखनऊ के वर्तमान सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट का प्रतिनिधित्व कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे। नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र के अनुसार केंद्रीय मंत्री के पास कोई भी कार नहीं है, लेकिन उनके पास एक रिवॉल्वर जिसकी खरीद मूल्य 10,000 रुपए है और एक दोनाली बंदूक है जिसकी खरीद कीमत 10,000 रुपए है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। राजनाथ सिंह के पास 3.11 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 90.71 लाख रुपए की चल संपत्ति के अलावा 52.50 लाख रुपए मूल्य का 750 ग्राम सोना है। इसके साथ ही 9.37 लाख रुपए से अधिक कीमत की 12.50 किलोग्राम चांदी भी है। वहीं हलफनामे के अनुसार राजनाथ सिंह के पास 75,000 रुपए और उनकी पत्नी के पास 45,000 रुपए नगद है। राजनाथ सिंह और उनकी पत्नी की चल संपत्ति की कुल कीमत 4.02 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास चंदौली जिले के 5 गांवों में 1.47 करोड़ रुपए की कृषि भूमि है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में 1.87 करोड़ रुपए के घर के रूप में अचल संपत्ति है। साथ ही पत्नी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंच के सक्रिय उपयोगकर्ता भी हैं और उनकी एक वेबसाइट भी है। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए भारतीय सेना को राफेल समेत अन्य अत्याधुनिक लड़ाकू विमान दिलाने वाले रक्षा मंत्री के पास अपने नाम पर एक भी कार नहीं है। सोमवार को राजनाथ सिंह ने जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया उसके मुताबिक राजनाथ सिंह के पास एक भी कार नहीं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने नामा दाखिल किया उसके अनुसार बीते 5 सालों में राजनाथ की संपत्ति में थोड़ा इजाफा हुआ है। चुनावी हलफनामे के अनुसार राजनाथ सिंह के पास कुल संपत्ति करीब 6.62 करोड़ है, जिनमें 2,97,30,580 रुपए की चल संपत्ति शामिल है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राजनाथ सिंह पर कोई देनदारी नहीं। राजनाथ ने 1971 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से MSc की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ ने समाजवादी पार्टी की पूनम सिन्हा और 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी को हराया था। साल 2014 में लखनऊ से अपना पहला चुनाव लड़ने से पहले राजनाथ ने 2009 में गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत लखनऊ में 20 मई को मतदान होगा, जहां से समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।